दिस इज बिग टैलेंट गाइस, ये मेरी सिस्टर है। आप कुछ बोलना चाहेंगे हमारी ऑडियंस को? वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें गाइस। हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हो आप लोग, एक वापस से नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ। वैसे गाइस, अभी मैं अपने खेत में आया हूँ और ये दो जन को इधर छोड़ने आया हूँ, क्योंकि हम लोग का धान कटाई स्टार्ट हो गया है और मैं इनको बाइक में यहाँ छोड़ने आया हूँ। वैसे अभी फिर जाऊँगा, मेरे माँ लोग रास्ता में हैं तो उनको भी यहाँ लाऊँगा, फिर अपना धान कटाई स्टार्ट हो जाएगा। वैसे दो तीन चार पाँच दिन पहले ही हम लोग का धान कटाई स्टार्ट हो गया था और आज हम लोग फिर से यहाँ। वैसे इसी खुशी में हमारे माखुर मास्टर आज यहाँ एक स्टंट दिखाएंगे आपको, तो बने रहो मेरे ब्लॉग पे पूरा एंड तक। ओके, ओ माय गॉड, हाउ इंटरेस्टिंग यार। ऐसी चीज देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, और एक बार दिस इज बिग टैलेंट गाइस, ये करने के लिए आपको टैलेंट की जरूरत होती है, जो कि हमारे माखुर मास्टर के पास कूट कूट के भरी पड़ी है। गाइस यार, हम बहुत जल्द सीनू भाई के साथ वीडियो बनाने वाले हैं। वैसे अभी इस ब्लॉग में तो नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन आने वाली वीडियो पे सीनू भाई दिखाई देंगे आपको, उनके साथ मैं मिलने वाला हूँ। एंड बहुत बड़े यूट्यूबर हैं हमारे इलाके के, तो यार बने रहो ब्लॉग पे, ज़रूर बनाएंगे उनके साथ वीडियो हम। ओके, जो मेरी माँ लोग हैं वो खेत पहुँच गए थे, इसलिए मैं उनको नहीं छोड़ा वापस खेत, वैसे चल दी उन लोग पैदल। वैसे मेरे बांध ये देख सकते हो, ये अपने बांध के पास आ गए हम कुछ इस कदर से, और ये इसमें अभी मछली पालन हुआ है बहुत ज़्यादा, इसलिए यहाँ मछली मारना भी अलाउड नहीं है, इसलिए हम बहुत मछली बहुत कम मारते हैं, बहुत कम क्या मारते ही नहीं यहाँ पे। वैसे दिखने में काफ़ी खूबसूरत लग रहा है, चलते हैं अब घर की ओर चलते हैं। ये इधर रही मेरी बाइक, अब चलते हैं घर। वैसे गाइज, अभी मैं अपने घर पे आ गया वापस, और आपको अभी वीडियो का मतलब जो वॉइस है ना वो थोड़ी अच्छी आ रही होगी, क्योंकि मैं अभी ट्राइपॉड लगा ली हूँ और अपना माइक भी लगा लिया हूँ इसमें, इसलिए अलग आ रहा है साउंड। वैसे आंगन का नज़ारा कुछ इस कदर से अभी है, और हम बाहर चलते हैं और वहाँ देखते हैं। वैसे बाहर आने के बाद हमारे इधर दोस्त लोग दिख चुके हैं, भैंसा लोग हैं ये, तो इनको भी चलते हैं, इनको रहने देते हैं, वैसे आराम कर रहे हैं ये लोग, ये हमारे दोस्त हैं। अपना ये चीज़ लगाने जा रहा हूँ, ये सू मेकर के एक दवाई का नाम है, ये मेरे घुटने में जहाँ कटोरा है उसके नीचे जस्ट प्रॉब्लम आ गया है, रनिंग कर रहे हैं बहुत दर्द करता है, तो उसके लिए मैं लगा रहा हूँ यहाँ दवाई, यहाँ बैठ के लगाएंगे और ये इसको दिखाएंगे। ओके, तो मैं लगाता हूँ, आप बने रहो ब्लॉग पे। मैंने कुछ ऐसे इधर लगा लिया, अब चलते हैं कुछ और चीज़ करने। अभी जो है मैं अपने बाड़ी के साइड जा रहा हूँ अपना काम करने, तो ये अपना बाड़ी है कुछ इस कदर से, ठीक है। और इधर रतुरिया जो कि है मेरी सिस्टर है, आप कुछ बोलना चाहेंगे हमारी ऑडियंस को? अरे तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा, तुमसे ना हो पाएगा, तो प्लीज़ आप अपना इंट्रो दे दे हमें इधर। अबे साले, ये मेरी सिस्टर है तो ये अपना इंट्रो देना चाहेगी। मेरा नाम रतुलिया पैंकरा है, जो इनकी सिस्टर हूँ, चैनल को फिर से चैनल को वीडियो को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। ओके, तो हम ये अपना कंघी कर रही है, तो हम चलते हैं अपने बाड़ी की ओर, इधर अपना काम करने। और इधर ये पाइप जो दिख रही है पीछे, और इधर मेरे पापा जो हैं इधर बना रहे हैं, यहाँ पाइप जोड़ रहे हैं,
तो भाई साहब हम अभी नहाने के लिए आए हैं और पीछे देखो ये हमारी मंदिर और हम यहाँ नहा रहे हैं। अभी नहाएंगे इसके बाद मिलते हैं। ओके गाइस, गाइस अभी जो है हम घर से निकलने वाले हैं। ये अपना टूटी फूटी जो ऐसे जो बाइक है इसमें हम लोग अभी निकलने वाले हैं, गुतुरमा जा रहे हैं क्योंकि इस महाशय का लेना है चप्पल। तो बने रहो मेरे ब्लॉग पे, आगे मिलते हैं अपन। वैसे गाइस हम गुतुरमा में पहुंचने ही वाले हैं, कुछ देर बाद पहुंच जाएंगे। 5 मिनट का रास्ता है, उतना भी नहीं, तो पहुँचते हैं वहाँ। वैसे हम अभी यहाँ समोसा खा रहे हैं, ये हम लोग का समोसा आ गया कुछ इस कदर से, और ये आगे सड़क है और यहाँ हम समोसा खा रहे हैं अभी।